हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रिया भार्गव टूडे वी आर गोइंग टू डू लास्ट सब सेक्शन ऑफ यूनिट थ्री यूनिट थ्री इज़ फ्रॉम ब्लॉक थ्री एम पी सी ज़ीरो ज़ीरो थ्री दैट इज एम ए पी सी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज़ फॉर यू दिस इज़ थर्ड वीडियो फ्रॉम यूनिट थ्री जितने भी वीडियोज़ मैंने इस यूनिट के बनाए हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा सम वेयर इफ़ बाई चांस आपको लिंक्स ना मिले तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट कर दीजिए आई विल फाइंड इट आउट फॉर यू गाइज सो लेट अस स्टार्ट विथ टूडेज़ टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ़ ट्रेड्स एंड टाइप्स ये हम करने वाले हैं और बेसिक पर्सनैलिटी टाइप्स एंड मेज़रमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे और ये यूनिट फिनिश करेंगे सो so, मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूँ मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी पहली चीज़ ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करना ना भूलें और लाइक करने का मन करे तो लाइक कर दीजिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है दूसरी रिक्वेस्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एड्स को आप प्लीज़ स्किप ना करें क्योंकि मेरा चैनल अभी रिसेंटली मॉनिटाइज हुआ है और ये जो मनी है इस चैनल से मिलने वाला वो अंडर प्रिवलेज स्टूडेंट्स के पढ़ाई में या फिर उन्होंने उन्हें किसी और तरीके से हेल्प करने में यूज़ होगा सो so, अगर आप स्किप कर देते हैं तो जो मोनेटाइजेशन का बेनिफिट है वो मुझे नहीं मिल पाएगा और मैं किसी भी तरह से बच्चों की हेल्प नहीं कर पाऊँगी सो so, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियोज़ चलने दीजिए एड्स को स्किप मत करिए सो uh, so, वो जो बेनिफिट है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि यूट्यूब uh, ज़्यादा पे नहीं करता है बट मे बी जो डेढ़ साल में होगा वो आपकी हेल्प से एक साल में हो जाएगा सो दिस इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू गाइज फ्रॉम माई साइड लेट एस स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ ट्रीड्स एंड टाइप्स एलेक्स एंड ड्रोव एंड सचकिना इन्होंने नाइनटीन नाइन्टी टू में न्यूरोफिजिक फिजियोलॉजिकल इंडिसिस ऑफ न्यूरोटिक पेशेंट्स ऐसे लोग जो न्यूरोटिक हैं न्यूरोटिक पेशेंट्स जो हैं उनका न्यूरोफिजियोलॉजिकल इंडिसिस तैयार किया था इंडिसिस तैयार करना मतलब कि टेबल कुछ रिकॉर्डिंग कहीं पे राइट डाउन किया और ये जो न्यूरोटिक पेशेंट्स थे ये डिफरेंट टाइप के इंडिविजअल थे जो डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर शो करते थे उनकी जो पर्सनालिटी फैक्टर्स थे वो भी डायनामिक थे सो so, इनके ऊपर उन्होंने स्टडी करी इन्होंने 107 पेशेंट्स जो डिफरेंट पैटर्न के न्यूरोसिस शो करते थे उनके बारे में स्टडी करी और उन स्टडी करने से पहले उनकी साइकोथेरेपी की गई साइकोथेरेपी का मतलब है उनको पर्सनैलिटी ओरिएंटेड रिकन्स्ट्रक्टिव वैरायटी की पर्सनैलिटी थेरेपी यानी कि उनको ट्रेन किया गया किस तरह से बिहेव करना है किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है कौन सी दिक्कत को कौन सी दिक्कतों को कैसे हैंडल करना है ये सारी चीज़ें तो साइकोथेरेपी के बाद उनकी स्टडी की गई जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के थे उनको एनालाइज़ किया गया जो उनके न्यूरोफिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटी उन, उनकी देखी गई उसके बारे में पता लगाया गया उसको एनालाइज़ किया गया डिफरेंट तरीके से सो so, किस तरह से किया गया जो ग्रुप साइकोथेरेपी जिनकी की थी उन्हीं के ऊपर किया गया उनका क्लिनिकल डाटा लिया गया जो उनकी न्यूरोटिक पेशेंट्स की जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स वो शो करते थे उसका डाटा इन्होंने लिया जैसे कि अगर पेशेंट जो है हिस्टेरॉयड टाइप का कैरेक्टर शो करता है ज़्यादा रेजिस्टेंट वो लोग वो ज़्यादा रेजिस्टेंट दिखे साइकोथेरेपी के लिए आइसेंक ने भी अटैम्प्ट किया था न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस पे के बेसिस पे आ, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि तीनों जो पर्सनैलिटी इन्होंने बताई थी पेन मॉडल में सुपर ट्रेट्स जो हमने पढ़ा था उनके बारे में उन्होंने न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे स्टडी करी और जो सुपर ट्रेट्स थे इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन ये आ, उन्होंने ये पता लगाया कि इसमें लेवल्स ऑफ कॉर्टिकल अराउजल से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो लेवल्स थे कॉर्टिकल अराउज़ल के कॉर्टिकल कॉर्टेक्स जो है हमारी ब्रेन का पार्ट है तो उसका जो अराउजल का लेवल है उसके बारे में उन्होंने नोट डाउन किया कैसे जो इलेक्ट्रो एंड रिकॉर्डिंग होती है यानी कि हम कैथोड एनोड लगा के दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफिक रिकॉर्डिंग्स तो उन रिकॉर्डिंग्स को इन्होंने नोट डाउन किया और उससे उनको ये पता चला कि कॉर्टिकल अराउजल का लेवल क्या क्या था इंट्रोवर्ड्स में एंड एक्सट्रोवर्ड्स में तो जो उनको पता चला वो ये क्या पता चला वो भी हम आगे जानेंगे इन्होंने एक टर्म यूज़ किया है अराउजल आपने पहले भी देखा कॉर्टिकल अराउजल वर्ड यूज़ किया है तो अराउजल वर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बताती हूँ उनके कहने का मतलब था अराउजल का मतलब होता है एक्साइटेशन का लेवल जो लो एक्साइटेशन से हाई एक्साइटेशन तक जाती है उसको बोला है उन्होंने अराउजल तो अराउजल का जो लो अगर लो एक्सट्रीम है तो मतलब कि इंसान सोएगा अगर अपर एक्सट्रीम है तो इंसान पैनिक के स्टेट में आ जाएगा उन्होंने ये देखा जो इंट्रोवर्ड्स हैं उनमें वो ओवर एराउज्ड हो जाते हैं क्योंकि इसी इसी वजह से ओवर अराउज होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जो भी उनको स्टिमुलस मिलता है तो ज़रा से स्टिमुलेशन से भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अराउज हो जाते हैं इसीलिए वो इंट्रोवर्ड्स हैं रीजन ये है कि वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो ओवरवेलम्ड हो जाए यानी ज्यादा एक्साइट हो जाए दैट इज वाई दे आर इंट्रोवर्ड्स एक्सट्रोवर्ड्स के बारे में उनका कहना था कि ये लोग ये अंडर अराउज होते हैं बहुत ज़्यादा कोई भी स्टिमुलेशन इनको मिलता है इनकमिंग स्टिमुलेशन जब भी आता है ये हाईली इनसेंसिटिव होते हैं उन स्टिमुलेशन को लेकर इस वजह से ये अंडर अराउज होते हैं यानी कि कॉर्टिक कॉर्टिकल एरिया में कोई ज्यादा स्टिमुलेशन दिखता नहीं है ज़्यादा अराउजल दिखता नहीं है एक्सट्रोवर्ट्स में तो यानी कि हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनका जो अराउज़ल होगा वो कम दिखाई देगा और जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देगा जरा से स्टिमुलेशन से ये इंडी ये साइंटिफिकली हम पता लगा सकते हैं आ, ऐसा क्यों होता है एक्सट्रोवर्ट्स में क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा स्टिमुलेशन की सीख में रहते हैं कॉन्स्टेंटली उनको स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है इसलिए वो यूज्ड टू हो गए होते हैं इसीलिए जरा से स्टिमुलेशन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आइसेक uh, ने फिर हाइपोथाइज किया स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिसिज्म जो पेन मॉडल में एन वाला था न्यूरोटिसिज्म उसमें और स्टेबिलिटी के ऊपर भी बताया उन्होंने बताया जो इनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से स्टिमुलस को रिएक्ट करता है स्टिमुलई को किस कितने लेवल पे डिग्री ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है जि, जितना उनका उसका रिएक्शन है स्टिमुलस को लेकर वो कितना है Uh, तो उन्होंने ये बताया uh, ये लिंक्ड होता है ए एन एस लिंक्ड होता है लिम्बिक सिस्टम से जो ब्रेन का विसरल या फीलिंग सिस्टम भी माना जाता है uh, और यही जो लिम्बिक सिस्टम होता है यही हम इन्फ्लुएंस करता है हमारा मोटिवेशन मोटिवेशन एंड इमोशनल बिहेवियर तो यानी कि जो लोग uh, जिस किसी को मोटिवेट करना तो उसका लिम्बिक सिस्टम जो है वो uh, हो जाना चाहिए हाई हो जाना चाहिए देन ओनली दैट पर्सन विल बी मोटिवेटेड सो इमोशनल बिहेवियर भी इनका तभी आता है जब लिम्बिक सिस्टम में इसका असर होता हो तो वो जो पर्सन है जिनमें हाई न्यूरोटिसिज्म है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी पेनफुल सिचुएशन में या कोई नई सी सिचुएशन आ जाए या कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन आ जाए उस केसेस में न्यूरोटिसिजम वाले बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं Uh, और दूसरी कोई स्टिमुलस अगर आ जाए तो जबकि स्टेबल पर्सनस में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है uh, जो होते uh, स्टे, स्टेबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रिएक्शन देते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं वो लोग अगर और जो uh, ये न्यूरोटिसिज्म वाले होते हैं वो अगर स्टिमुलस चला भी जाए हम हटा भी दें उस जिस वजह से वो अपसेट हो रहा था तो भी उसका जो इस तरह का जो रिएक्शन है वो एग्जिबिट करता रहेगा काफ़ी टाइम तक अगेन uh, uh, जो सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स हैं जो ए, किसी पर्सन में दिखाई देते हैं वो दोनों तरह के फंक्शनिंग को एग्जिबिट करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग इन दोनों में उनके में दिखाई देता है जिनको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं सो so, जो पर्सन है जिसमें हाई डायमेंशन होते हैं इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म के वो किस तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं जिन लोगों में आप जो लोग इंट्रोवर्जन शो करते हैं और न्यूरोटिसिज्म ये दोनों हाई लेवल पे शो करते हैं उनमें एंगजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे कि फोबियाज ऑब्सेशंस कंपल्शंस ये वाले डिसऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं जबकि जो लोग लो हाई होते हैं एक्सट्रोवर्जन में और न्यूरोटिसिज्म डायमेंशनस में वो साइकोपैथिक हो सकते हैं उनको रिस्क होती है साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स की यानी कि एंटी सोशल लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं ये इनका कहना है आइसाइन का कहना है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं आ जाते कि भाई जेनेटिक डिस्पोजिशन प्रिपोजिशंस हैं तो वो आ जाएंगे जेनेटिक प्रिपोजिशन uh, मतलब उनके जीन्स में या फिर उनके कुछ कररेक्टरस्टिक्स में ऐसा दिख गया इसका मतलब नहीं है कि वो उनको हो जाएगा उनको तब होता है जब उनका एन्वायरमेंट या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा आ जाता है जो उनकी इन कंडीशंस को स्टार्ट कर देता है एक्स्ट्रोवर्जन एंड कॉर्टिकल अराउजल एग्जाम में आ चुका है इसलिए पिंक हाईलाइट किया गया है इसको एक्स्ट्रोवर्जन एंड कॉर्टिकल अराउजल्स का क्या रिलेशन है वो इन्होंने बताया जो अराउजल थ्योरी है आईसेंक ने नाइनटीन नाइन्टी में दिया था वो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है एक्स्ट्रोवर्जन का इन टर्म्स ऑफ कॉर्टिकल अराउजल जो हमने अभी थोड़ा ऊपर भी पढ़ा है तो उन्होंने आ, क्या बताया है इस बारे में उन्होंने ये बताया है कि जो ए आर ए एस होता है ए आर ए एस का फुल फॉर्म होता है आप इसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं बड़ा आसानी से बन जाएगा ए आर ए एस ऊपर लिखिए और उसके नीचे एरो लगा दीजिए तो ए आर एस ए आर ए एस का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये जानते हैं ए आर ए एस का फुल फॉर्म होता है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तो ये जो एक्टिविटी है ए आर ए एस की वो स्टिमुलेट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स अब जो आपने ए आर ए एस लिखा है उसके नीचे जो एरो लगाया है उस एरो के नीचे लिखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिकल अराउजल करता है और कॉर्टिकल अराउजल कैसे करता है हाइयर कार्ड कॉर्टिकल अराउजल करता है तो आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे एरो डाल के लिखना है कॉर्टिकल अराउजल हो जाता है कोर्टिकल अराउजल जो है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कोर्टिकल अराउजल हो गया जिनको कोर्टिकल अराउजल होगा उनकी स्किन कंडक्टेंस देखी जाएगी ब्रेन वेव्स देखी जाएंगी और स्वेटिंग भी होगी उनमें इससे हमें पता चल जाएगा कि कोर्टिकल अराउजल हुआ है क्योंकि जो एआरएस एक्टिविटी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जैसे कि इंट्रोवर्ट्स जो हैं उनको आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी दिखाई देगी एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रोवर्ड्स इंट्रोवर्ड्स में हाई लेवल दिखाया जाएगा देगा और एक्स्ट्रोवर्ड्स में लो लेवल सो ये कह सकते हैं कि जो इंट्रोवर्ड्स होते हैं वो क्रॉनिकली ज्यादा क्रटिकली अराउस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रोवर्ड्स एक लॉ के बारे में बात की है इन्होंने यहाँ पे ये यर्क्स डॉटसन लॉ ये आपने एक जगह और पढ़ा है मैं आपको याद दिलाती हूँ आपने अगर स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस मेरे वॉच किए हैं यानी कि एम पी सी ज़ीरो जीरो सिक्स के उसमें इनिशियल यूनिट्स में यॉक्स डॉटसन लॉ आया था जिसमें अराउज़ल एंड परफॉर्मेंस के ऊपर बात की थी स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यो एंड डॉटसन ने जो बनाया था वो यू शेप का आया था इन्वर्टेड यू इन्वर्टेड यू का मतलब ये है कि अराउजल अगर कम या ज़्यादा हो तो परफॉर्मेंस पुअर होती है अगर बीच का अराउजल है यानी स्ट्रेस लेवल बीच का है तो परफॉर्मेंस बढ़िया होती है सबसे बढ़िया होती है तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमें बीच का स्ट्रेस लेना चाहिए ना ज़्यादा ना कम नाउ न्यूरोटिसिज्म एंड विसरल ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में बात करें अगेन पिंक हाईलाइट है यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये न्यूरो ये एक्सप्लेन आईसेंक ने एक्सप्लेन किया न्यूरोटिसिज्म को भी एक्टिवेशन थ्रेश होल्ड के टर्म्स में सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे विसरल ब्रेन भी कहते हैं विसरल ब्रेन जो है हमारा जिसे एस एन एस भी कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके उसका थ्रेश होल्ड के एक्टिवेशन के बारे में बात करके ये बताते हैं कि जो विस्ट्रल ब्रेन होता है उसको हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं वो उसमें हिपोकैम्पस एमिकडेला सेप्टम एंड हाइपोथेलिमस ये पार्ट ब्रेन के शामिल होते हैं ये रेगुलेट करता है हमारे इमोशनल स्टेट्स जैसे कि सेक्स फियर एग्रेशन ये चीज़ें रेगुलेट करता है So, जब ही और यानी कि ये रेस्पॉन्सिबल है फ़ाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए जब हमें डेंजर आता है जब डेंजर आता है तो आप दो ही चीज़ें कर सकते।, तो आप, ही चीज़े सकते हैं या तो आप फ़ाइट करें या आप फ्लाइट भाग जाएं या तो आप लड़ें या भागें दो ही चीज़ें हो सकती है जब डेंजर आता है तो आ, इस हिसाब से तो, तो ये लिम्बिक सिस्टम जो था हमारा लिम्बिक सिस्टम में हार्ट रेट ब्लड प्रेशर स्किन कंडक्टेंस स्वेटिंग ब्रीदिंग रेट मस्कुलर टेंशन फोरहेड uh, में ये सारे इनके लेवल हम चेक कर सकते हैं सो so, इस विसरल ब्रेन इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है यानी कि ऑब्वियसली ये बढ़ जाएंगी न्यूरोटिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें ग्रेटर एक्टिवेशन लेवल देखा गया है और लोअर थ्रेश देखा गया है विसरल ब्रेन में सो एक्टिवेशन लेवल बढ़ जाता है उनका और थ्रेश लोअर हो जाता है इसीलिए ये बहुत आसानी से अपसेट हो जाते हैं छोटे छोटे स्ट्रेसेस को लेकर और जो इमोशनली स्टेबल लोग होते हैं वो काम रहते हैं स्ट्रेसेस के टाइम पे क्योंकि उनका जो एक्टिवेशन लेवल होता है वो कम होता है और थ्रेश ज़्यादा होता है ऐसा आईसेंक ने ना नाइनटीन में साइंटिफिकली प्रूव किया नाउ कमिंग टू साइकोटिसिज्म एंड गोनाडल हॉर्मोन्स आइजैक ने 1990 अगेन सेम बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया साइकोटिसिज्म का पिंक हाईलाइट है यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ गोनेडल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टीरोन होते हैं और जो एंजाइम है ए एम ए ओ एम ए ओ का फुल फॉर्म है मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इन दोनों टेस्टोस्टिरोन uh, एनजाइम एम ए ओ के बारे में बताया इन्होंने ये बताया लो प्लेटलेट एम ए जो होता है uh, ये साइकोटिक पेशेंट्स में पाया गया है उनके रिलेटिव्स में भी पाया गया है और उनमें उन पेशेंट्स उन में भी पाया गया है जो साइकोटिक प्रॉब्लम से रिकवर हो गए हैं तो इनका जो लो काउंट है एम का वो ये बताता है इनकी वनरेबिलिटी मतलब इट्स अ मार्कर फॉर वनरेबिलिटी ऐसे लोग वनरेबल होते हैं साइकोटिक अटैक्स के या साइकोटिक पेशेंट होने के पेन uh, मॉडल जो है इसने कंट्रीब्यूट किया पर्सनैलिटी uh, के जो थ्री डिस्टिंक्टिव वेज थे उनको अंडरस्टैंड uh, करने में उनकी स्टडी करने में तो ये पेन मॉडल से हमें थ्री थिंग्स जो हमें कंसीडर करनी चाहिए वो कौन कौन सी है इन्होंने एक uh, तो पेन मॉडल ने डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल आस्पेक्ट जो पर्सनैलिटी के हैं वो इस थ्योरी में कंबाइन करके बताए हैं uh, ये जो थ्योरी है पेन मॉडल की ये हमें ये भी बताती है कॉजल एक्सप्लेनेशन देती है इन पर्सनैलिटी ये पर्सनैलिटी ऐसी क्यों होती है पेन मॉडल हमें सपोर्ट करती है और क्रेडिबल एविडेंस देती है प्योरली uh, डिस्क्रिप्टिव ना हो के ये एविडेंस भी हमें प्रोवाइड कर रही है सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं कर रही कैरेक्टर uh, टाइप्स को पर्सनैलिटी टाइप्स को बल्कि उसका एविडेंस भी दे रही है पेन मॉडल जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव uh, है डिस्क्रिप्शन में और ये हैरार की बता रही है फोर लेवल पे कि कैसे एक सुपर फैक्टर जो है उसके नीचे फैक्टर्स हैबिट्स एंड बिहेवियर्स सारे के सारे लाइक करते हैं किस तरह से ये एक मेजर पर्सनालिटी टाइप बनता है वो सारा ये मॉडल एक्सप्लेन करता है और कैसे हर एक इंसान दूसरे से अलग कैसे है वो भी समझाया है उन्होंने पेन मॉडल जो है बहुत कंपेलिंग है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रखता है पर्सनालिटी की स्टडी के लिए और ये टेस्टेबल है हम टेस्ट भी कर सकते हैं इस स्टडी को सो so, बहुत आसानी से हम किसी की पर्सनालिटी को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं नाउ एसेंस ऑफ आईसेंस स्ट्रेट टाइप थ्योरी क्या है क्या मिलता है हमें मतलब क्या इसकी क्यों वाई इसकी खूबी क्या है खूबसूरती क्या है इस ट्रेड टाइप थ्योरी की एक तो पर्सनालिटी के जो एलिमेंट्स हैं वो लिए अरेंज्ड है नंबर वन पॉइंट ये आ सकता है एग्जाम में ये आप ध्यान से सुनिए जो सुपर ट्रेड्स या टाइप्स हैं एक्स्ट्रा वर्जन ये बहुत हमारे बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है ये जो सुपर ट्रेड्स हमें बताए हुए हैं ये बहुत सारे कंपोनेंट्स के बने हुए हैं ट्रेड्स के बिहेवियर के है ना और हैबिट्स के इन सब का और बहुत ज़्यादा डायमेंशंस है इसके जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं और ये कंट्रीब्यूट करता है सारी सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने में जैसे कि ट्रेड्स जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं बहुत सारी हैबिचुअल रेस्पॉसिस के और हेबिचल रेस्पॉस किस चीज़ के बने होते हैं स्पेसिफिक uh, रेस्पॉन्स के तो इस तरीके से स्पेसिफिक से पे बना से बना, से ट्रेड ट्रेड बना एंड टाइप बन गया तो वही किस तरह से था उन्होंने वो भी बताया देन बतायाबिलिटी uh, जैसे कि वो किस तरह से रिलेट होती है वो वो एक्टिविटी होना लाइवलीनेस असर्टिवनेस ये सारी चीजें सोशबिलिटी uh, में शामिल है एंड देन सुपर ट्रेड जो एक्स्ट्रा वर्जन है उसके अंदर आ जाती हैं नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक बेसिक पर्सनैलिटी टाइप्स एंड देन मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये बेसिक पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात करें तो अः इन्होने जो आईसेंक ने जब ये पेन मॉडल दिया तो उन्होंने क्या क्या टेस्ट किए थे लोगों के ऊपर उन्होंने जो टेस्ट किए थे वो उन्होंने किए थे सेल्फ रिपोर्ट्स ऑब्जर्वर रेटिंग यानी कोई देख के रिपोर्ट कर रहा है सेल्फ रिपोर्ट मतलब पेशेंट से खुद बनवाई गई बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि उनके जो एम वगैरह और इस ई जी किए गए उससे ब्रेन की स्कैनिंग करके एंड फ़िजिक एंड फिजियोलॉजी इसके असेसमेंट किया गया ऑब्जेक्टिव फिजियोलॉजिकल टेस्ट ये सारे चीज़ें ली गई तब जाके उन्होंने अपनी थ्योरी दी है जो डाटा था फैक्टर जो भी एनालाइज़ किए गए फैक्टर्स वो उसने पूरा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताया दो उन्हों उनको दो बेसिक टाइप डायमेंशन सबसे पहले मिले थे पहले उन्होंने इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी ये दो तरह के ही ढूंढे थे एंड 1976 में फर्दर स्टडीज़ में उन्होंने थर्ड डायमेंशन भी ढूंढ दिया जिसको हम साइकोटिसिज्म एंड सुपर सुपर ईगो स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं तो ये जो सुपर ट्रेड्स थे ये डायमेंशंस Uh, ये इसमें जो साइकोटिसिज्म uh, की बात करें या सुपर ईगो स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें इनके कौन कौन से डायमेंशन इन्होंने देखे इन्होंने ईगो सेंट्रिक इम्पल्सिव सेंसिटिव टू अदर्स अपोज टू सोशल कस्टम्स ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें चेक करी सो so, ये किस किस में दिखाई देते हैं जो साइकोटिसिज्म है ये किस में दिखाई देता है जो ट्रबलसम होता है जो फिट नहीं होता दूसरों के साथ अच्छे से और अपसेटिंग होता है इंटेंशनली उसकी यही आदत होती है कि दूसरों को अपसेट कर दे जैसे कि विलेनियस कैरेक्टर सीरियल्स में दिखाते हैं ये वही है साइकोटिसिज्म तो साइकोटिसिज्म जो है ये जेनेटिक प्रीटिसपोजिशन है और जो साइकोटिसिज्म जिनमें होता है वो साइकोटिक या फिर साइकोपैथिक हो सकते हैं तो ये जो ट्रेट है ये मेन में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू विमेन नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ ऑफ दिस यूनिट मेजरमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन बनाए और सबसे ज्यादा उनमें से पॉपुलर था वो था ईपी क्यू ईपी क्यू पहले भी आया था जब हमने ये वीडियो में शुरू में टॉपिक स्टार्ट किया है तब हमने ईपी क्यू के बारे में बात की थी जहाँ पे पी फैक्टर के बारे में बात की गई थी ईपी क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है पहले हम ये जानेंगे ईपी क्यू का फुल फॉर्म होता है आईसेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनअर आईसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चन ईयर जो होता है उसमें लाई स्केल भी होता है और लाई स्केल होने का मतलब ये है झूठ पकड़ने वाला स्केल जो ये डिटेक्ट कर देता है कि पर्सन कितना फेक है वो कितना अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कितना झूठ बोल रहा है ये भी पकड़ाई में आ जाता है इस टेस्ट से तो जो जूनियर ई इन्होंने बनाया वो बच्चों के लिए बनाया जो सात से लेकर पंद्रह साल के बीच के हैं सेवन टू फिफ्टीन ईयर्स सो अब हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ड्स एंड एक्स्ट्रोवर्ड्स क्या होता है uh, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बिहेवियरल फंक्शनिंग में देखने के लिए मिले हैं उसी के बेसिस पे उन्होंने ये एनालाइज़ किया और मेजर किया क्वेश्चनर और लेबोरेटरी प्रोसीजर से कि कैसे दोनों इंट्रोवर्ड्स एंड एक्स्ट्रोवर्ड्स सेपरेट करते हैं uh, अब विल्सन 1978 में अपना रिव्यू ऑफ स्टडी जब वो किया उन्होंने तो उन्होंने ये कंक्लूड किया उन्होंने कंक्लूड किया जो एक्स्ट्रोवर्ड्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होती है पेन को लेकर देन इंट्रोवर्ड्स यानी एक्स्ट्रोवर्ड्स ज़्यादा दर्द सह लेते हैं इंट्रोवर्ड्स कम दर्द सहते हैं सेकेंड जो उन्होंने पॉइंट दिया एक्स्ट्रोवर्ड्स इंट्रोवर्ड्स में ये आईसेंग के नहीं है ये विल्सन के हैं आपको ध्यान रखना होगा ये उन्होंने टेस्ट किया इस थ्योरी को तो उन्होंने बताया आ, जो एक्स्ट्रो होते हैं वो ज़्यादा बातचीत में और कॉफ़ी ब्रेक्स ज़्यादा लेते हैं काम करते टाइम बातचीत ज़्यादा करते हैं और इंट्रोवर्ड्स ऐसा नहीं करते या उनके कंपैरिज़न में कम करते हैं जो एक्साइटमेंट जो होता है वो इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है एक्स्ट्रो की और इंट्रो की परफॉर्मेंस में इंटरफेयर करता है एक्साइटमेंट इंट्रोवर्ड्स जो होते हैं ये प्रीफर करते हैं थ्योरेटिकल और साइंटिफिक वोकेशन मतलब ऐसे जॉब लेते हैं जो थ्योरेटिकल है और साइंटिफिक है जो एक्स्ट्रोवर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर सोशल वर्क और सेल्स इस वाले डिपार्टमेंट में जाना यानी पीपल ओरिएंटेड जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंट्रोवर्ड्स जो होंगे वो फ्रीकेंटली uh, मास्टरबेशन करते हैं दैन एक्स्ट्रोवर्ड्स क्यों क्योंकि एक्स्ट्रो और भी हैं लेकिन और जो हम फाइंडिंग्स बताती हैं फाइंडिंग्स ये भी बताती हैं जो एक्स्ट्रो होते हैं वो सेक्जुअल इंटरकोर्स में अपनी लाइफ में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया विल्सन ने इंट्रोवर्ड्स जो होते हैं हाई ग्रेड्स अटेन करते हैं कॉलेजेस में एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रो जो आ, अब इंट्रोवर्ड्स कॉलेज अगर छोड़ते हैं तो उनके साइकैट्रिक रीजनस की वजह से कॉलेज छोड़ते हैं जबकि एक्स्ट्रोवर्ड्स कॉलेज पढ़ाई के चक्कर में छोड़ते हैं कि उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही बदमाशियाँ ज़्यादा करते हैं इंट्रोवर्ड्स जो होते हैं उनमें अराउज़ल लेवल जो होता है मॉर्निंग में ज़्यादा होता है और एक्स्ट्रोवर्ड्स में इवनिंग में ज़्यादा होता है अराउज़ल रेट इंट्रोवर्ड्स जो होते हैं वो मॉर्निंग में ज़्यादा काम करते हैं और एक्स्ट्रोवर्ड्स आफ्टरनून में ज़्यादा काम कर पाते हैं ये विल्सन की स्टडी थी बहुत स्ट्राइकिंग फीचर जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में देखा गया है वो सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेशन देखा गया है जो कॉर्टिकल अराउजल के बारे में हमने देखा ईईजी की रिपोर्ट में भी पता चल जाता है इसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने लेमन ड्रॉप टेस्ट किया लेमन ड्रॉप टेस्ट किसने किया लेमन ड्रॉप टेस्ट किया है कॉरकोरन ने नाइनटीन में कॉरकोरन ने जब ये स्टडी करी तो उन्होंने लेमन ड्रॉप टेस्ट में क्या फाइंड आउट किया उन्होंने ये किया कि एक्स्ट्रोवर्ड्स और इंट्रोवर्ड्स को लिया और दोनों की टांग में फोर ड्रॉप्स लेमन के डाल दिए ये यहाँ लिखा हुआ है आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं जब फोर ड्रॉप्स लेमन के डाले तो जो सलाइवेशन उनकी टंग से जो सलाइवा निकलना शुरू हुआ तो इन्होंने देखा जो इंट्रोवर्ड्स हैं उन्होंने डबल क्वांटिटी का सलाइवा सिक्रीट किया एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रोवर्ड्स एक्स्ट्रोवर्ड्स ने कम सलाइवा सिक्रीट किया एंड इंट्रोवर्ड्स ने ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट किया डबल क्वांटिटी का सलाइवा सिक्रीट किया तो ये जो फाइंडिंग्स है ये डिफरेंट पैटर्न्स जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के डिफरेंट पैटर्न्स है ये इंट्रोवर्ड्स एंड एक्सट्रोवर्ड्स में देखने के लिए मिले आईसेंक ने जो ए आर ए एस मतलब कि असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन सिस्टम में जो देखा उन्होंने वो रेस्पॉन्सिबल होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के जो भी एक्टिविटी चलती है जिस तरह से वो स्टिमुलेशन को रेस्पॉन्ड करते हैं उसके बेसिस पे इन्होंने ये चीज़ प्रूव करी तो ये सारी चीज़ें जो स्टडीज़ थी ये साइंटिफिक पर्पस साइंटिफिक के साइंटिफिक uh, बेसिस पे थी और उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनका जो सिस्टम है ब्रेन का सिस्टम स्टेम है ब्रेन स्टेम है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है दैट इज़ वाई इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दूसरी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं सो so फ्रेंड्स ये थी यूनिट थ्री जो आज हमने फिनिश कर दी एंड uh, इससे पहले कि मैं आपको बाय बोलूँ आपसे फिर से वही सेम रिक्वेस्ट जो मैंने वीडियो के शुरू में की थी सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें लाइक कर दीजिए अगर पसंद है तो और एड्स प्लीज़ स्किप ना करें जो भी एडवर्टाइजमेंट्स शो हो रहे हैं वीडियो में प्लीज़ देखते रहिए सो दैट ये जो बेनिफिट uh, मिलेगा मुझे वो अंडर प्रिवलेज बच्चों की हेल्प में जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय